तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि योगी राज में पुलिस स्मार्ट है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि सामने आ रही, पेपर लीक कांड से जुड़ी हुई सीबीआई लगातार एक्शन। दो और लोगों को गिरफ्तार किया है सीबीआई ने, लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो दो लोग गिरफ्तार किए गए उनका नाम भी आपको बताते हैं। यहाँ पर मनीष प्रकाश और आशुतोष की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी आशुतोष छात्रों के लिए सेफ हाउस का इंतजाम करता था और मनीष की बात करें अभ्यर्थियों को लर्न प्ले स्कूल लेकर जाता था, जहां पर छात्र क्वेश्चन पेपर का उत्तर उनको रटवाया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो सामने आए हैं जिन्होंने साफ तौर पर कबूला है कि क्वेश्चंस उनको बताए जाते थे, फिर आंसर भी रटवाए जाते थे। नीट पेपर लीक केस में हजारीबाग का ओएसएस स्कूल बेहद अहम कड़ी साबित हो रहा है। स्कूल में सीबीआई ने डेरा डाला हुआ है और लगातार दो दिनों से स्टाफ से सवाल जवाब जारी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सीबीआई के रडार पर ओएसएस स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल पर कस रहा है सीबीआई जांच का घेरा। मोबाइल जब्त, सबूतों की तलाश में फॉरेंसिक जांच। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पर आकर सीबीआई की जांच की सुई अटक गई है। नीट पेपर लीक की कड़ियां जोड़ रही सीबीआई स्कूल और उससे जुड़े लोगों की गहरी पड़ताल कर रही है। दो दिनों से न केवल स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है बल्कि स्कूल के दूसरे स्टाफ से सवाल जवाब हो रहा है। जैसे जैसे तफ्तीश बढ़ रही है, प्रिंसिपल एहसान उल हक से सीबीआई के सवालों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। ओएसएस पब्लिक स्कूल में आज दूसरे दिन भी सीबीआई प्रिंसिपल को साथ में लेकर पहुंची। सुबह तकरीबन 11 बजे एक गाड़ी में सीबीआई के अफसर और बीच में ओएसएस पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल है एहसान उलक, उनको लेकर इसी ओएसएस पब्लिक स्कूल में सीबीआई पहुंची। तकरीबन 3 घंटे तक अंदर रही। सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ऑफिसर प्रिंसिपल के साथ साथ एफएसएल टीम को भी लेकर इसी ओएसएस पब्लिक स्कूल पहुंचे हैं और यहां पर एफएसएल के जरिए जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको खंगालने की कवायद है वो सीबीआई द्वारा की गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई इस समय प्रिंसिपल एहसान उल हक को पेपर लीक की अहम कड़ी के तौर पर देख रही है, इसीलिए एहसान उल हक के आसपास जांच का दायरा तंग करती नजर आ रही है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से दो दिनों से पूछताछ जारी है। प्रिंसिपल एहसान उल हक के दो फोन जब्त किए जा चुके हैं। वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम का भी फोन सीबीआई के पास है। पिछले 3 महीनों के कॉल डिटेल निकलवा रही है सीबीआई। सीबीआई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों के लैपटॉप को भी खंगाल रही है। अभी तक आपको बता दें कि सीबीआई ने प्रिंसिपल का जो फोन है उसको जब्त किया है, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही प्रिंसिपल के घर से जो लैपटॉप है उसको रिकवर किया है, उसकी भी जांच की जा रही है। और इसी स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल रूम में लगा डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, उसके यूपीएस की भी एफएसएल से जो जांच है वो कराई जा रही है। इसके अलावा इसी स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल है उनके फोन को भी सीबीआई ने जब्त किया है ताकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो एफएसएल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो जुटाने की कवायद सीबीआई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक कराने वाले गैंग के पास क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले ही पहुंचा था। शक है कि पेपर हजारीबाग से ही लीक हुआ था। सीबीआई को आशंका है कि पेपर लीक के तार ओएसएस स्कूल से जुड़े हो सकते हैं, इसीलिए सीबीआई के रडार पर ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक आ गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक नीट के लिए हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। 3 मई को नीट के परीक्षा प्रश्न पत्र एसबीआई बैंक पहुंचे थे। 3 मई की शाम को प्रिंसिपल एहसान उल हक एसबीआई बैंक गए थे। 3 मई की रात को ही हजारीबाग से लीक पेपर पटना पहुंच गया था। हजारीबाग को अलॉट हुआ बुकलेट नंबर 6136488 ही लीक हुआ था। अब बैंक के सीसीटीवी से पूरी टाइमलाइन बना रही है सीबीआई। 11 बजे के आसपास यहां पर पहुंची थी सीबीआई की टीम और 3 घंटे तक जो सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को साथ में लेकर ओएसएस पब्लिक स्कूल में थी। एफएसएल की टीम भी साथ में मौके पर मौजूद थी। तमाम सबूत जो है वो यहां से खंगाले जा रहे हैं और कल भी तकरीबन 4.5 घंटे तक जो पूछताछ है वो प्रिंसिपल से की गई थी इसी स्कूल के अंदर। दूसरी बार सीबीआई पहुंची, संभवतः सबूतों को जुटाने की कवायद। और इसी बीच सीबीआई का बड़ा एक्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पेपर लीक केस में हजारीबाग से अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन ओएसएस स्कूल के स्टाफ पर जांच का घेरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीबीआई की कोशिश है कि इस मामले में पुख्ता सबूत हासिल कर ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।